चलो 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 चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ सेटअप पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज जो है आप लोगों को पता है जुम्मा है, और ये दोनों आते हैं अब्दुल रहमान, और इधर आ जाओ इधर आ जाओ, और अब्दुल रहीम भी आ गए, और जो पीछे कैमरा पकड़े हुए हैं वो आप जानते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम फुरकान। खैर से यार दोस्तों, आज की वीडियो में जो है ना, आज हमारे पास जो है फुरकान, एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है, और एक जो है शॉक न्यूज़ है। तो तीन न्यूज़ है हमारे पास यार। खैर से कौन सी बतानी चाहिए? बैड न्यूज़। बैड न्यूज़, हाँ वो सामने ही है। तो यार बैड न्यूज़ में दिखाता हूँ आप लोगों को। आए बैड न्यूज़ जो है दोस्तों, वो ये है जो आप लोगों को दिख रही हो, ये देखें। हमारा जो ये था डंडा जिससे हमने इसको कवर करा था, ये सरपाल को पूरे का पूरा टूट गया है यार, और बड़ी परेशानी में आ गए हम इस वजह से। ये रात को टूटा है, किस वजह से टूटा है वो बताता हूँ, लेकिन फिलहाल ये ऐसा हो गया, ये देखें। अब अगर बारिश तेज होगी तो ये पूरा गीला होगा फिलहाल। तो ये थी यार हमारी बैड न्यूज़, और अब मैं बताता चलूँ तुम लोगों को गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ जो है वो क्या है पता है? तो यार गुड न्यूज़ ये थी दोस्तों कि वो गुड न्यूज़ में ही आएगी कि कल रात को जो है शिद्दत की तेज़ बारिश हुई दोस्तों, और उसकी वजह से ना हमारी जो हफ्स था वो कम हुआ है, ये बात मानने वाली है। और हमारे जितने परिंदे ना बहुत खुश हैं, दिखाओ। तो यार हमारा जो सेटअप है ना दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह वो बारिश में सेफ रहा है। आप लोगों के सामने है पूरा सेटअप, आप देख सकते हो, ये देखें पूरे का पूरा सेटअप वैसे सेफ रहा है, फुल सेटअप, कुछ भी नहीं हुआ सेटअप को। सारे मुर्गे मुर्गियाँ एक एक चीज सही है, सिर्फ और सिर्फ ये है ना, ये बैड न्यूज़ थी यार। इसकी परेशानी हुई है मुझे, इसके अलावा कुछ भी बैड न्यूज़ नहीं थी, बस ये थी। बाकी यार सेटअप आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, और बारिश की वजह से ना बहुत खुशी हो रही है, मुझे यकीन मानो बहुत, जो हफ्ते ना टूट गया है। अब बात करते हैं यार शॉक न्यूज़ की, तो वो न्यूज़ मैं तुम लोगों को अब से थोड़ी देर में देता हूँ, और एक चीज़ बता दूँ, वो न्यूज़ फुरकान को भी नहीं पता। तो अभी हम देते हैं वो न्यूज़, हमजा आ जाए नीचे से, फिर वो न्यूज़ आप लोगों को सुनाते हैं, और वो न्यूज़ क्या, वो एक छोटी सी खुशखबरी है वो दिखाते हैं। तो यार मैं जो हूँ ना, हमजा का वेट कर रहा हूँ, और वो देखें खाना भी पड़ा हुआ है। आज बारी थी हमजा की खाना डालने की, पर हमजा ना उसका कोई दोस्त आया हुआ है, वो देखें वो खड़ा हुआ, वो हमजा दोस्त से बात कर रहा है, बोल रहा आ रहा हूँ। पर यार वो आता है तो इनको दाना पानी भी करते हैं, और वो जो शॉक न्यूज़ है ना वो भी आप लोगों को सुनाते हैं। वो हमजा ही लेकर आएगा नीचे से जो भी चीज़ है यार, मैं तो तुम्हारे को दिखा नहीं है ना, थोड़ा सा वेट करो यार। क्या कर रहा है इसको, कब से वेट कर रहा हूँ मैं यार, देर हो रही है, और भी काम है दोस्तों दस। तो यार दोस्तों हमजा जो आ गया सेटअप पे, और वो चीज़ उसने मेरे हाथ में पकड़ा दी है, तो खुद ही पकड़ लेते, पकड़ो मैं दिखाऊं। तो ये देखें भाई, आप लोगों को देख रहे हैं दोस्तों, यार आप लोगों को याद होगा दोस्तों, हमारे पास ब्लैक बफ के जो है ना अंडे जमा हो रहे थे, तकरीबन पांच अंडे हो गए थे ना, पांच अंडे, तो उसमें से जो है तीन थे ना वो हमने सेल आउट कर दिए कल परसों में, और ये जो दो अंडे थे ना यार, तो यही शॉक न्यूज़ थी। ये दो अंडों में ना माशाल्लाह माशाल्लाह थे दोस्तों, बच्चे बनना शुरू हो गए हैं, तो मैं तुम लोगों को वही दिखाना था। और ये हम दो अंडे किस कहाँ रखने वाले हैं ये भी दिखाता हूँ, उससे पहले मैं तुम लोगों को यार दिखाता हूँ कि इसके अंदर बच्चे बन रहे हैं या नहीं, वो चीज़ दिखा देता हूँ, फिर इनको रख देंगे हम उनके नीचे। कौन से कबूतरों को दिखाते हैं हमने इसके अंदर, दिखाओ तो बच्चे यार, उस तरफ दिख जाएंगे, कोने पे आओ तो उधर दिख जाएंगे यार, कोई ऐसा मसला थोड़ी है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बाकायदा बच्चे बन रहे हैं यार, कस के पकड़ते हैं यार। असल में दोस्तों ज़रा भी अंडे हिले ना तो वो बच्चे अच्छे खासे बने हुए हैं यार, एक में तो फुल बच्चा बना हुआ है, ये देखें अभी दिखाता है ये, अगर आप लोगों को दिख सके इसके अंदर, ये देखिएगा हमदा उधर करो, ये उस तरफ करो थोड़ा सा, वो देखे ना नस, वो जो मोटी है इधर करो और करो, तुम्हें दिख रहा मुझे नहीं दिख रहा इधर से, ये रहा अंगूठा हटाओ, घुमाओ इस तरफ घुमाओ, ये देखें दोस्तों ये दिख रहा आपको, ये देखें ये घूम रहा यार, बिल्कुल बच्चा बना हुआ है हमजा पूरा, और उसमें दिखा ना दूसरे वाले में, नहीं मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा होना चाहिए, इस पे कम है, इसमें नसें बनना शुरू हो रही हैं, है ना फटाफट। हाँ तो यार देखा आप लोगों ने, माशाल्लाह से बच्चे फिक्स बने हुए हैं यार, एक में नसें पूरी और एक में आधे से ज्यादा बच्चा क्लियर बना हुआ है, बड़ी खुशी हो रही है यार। तो ये शॉक न्यूज थी, और ये बने कैसे हैं, ये गर्मी की वजह से अपने आप ही बन गए दोस्तों, अपने आप। भाई देखे तुमने? अभी मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ वीडियो में, देखना तुम बोलोगे बने कैसे यार ये। तो यार ये हम रखने जा रहे हैं फाइनली दोस्तों, वो देखें हमारे इन, ये जो हमारे पास थे
कबूतर हमजा का जोड़ा था यार ये, तो मैंने हमजा को बोला इसको सेल आउट करने का बजाय इसके नीचे अब ये रख देते हैं। तो यार दोस्तों अब जो है हम वेट करते हैं यार ये कब तक अंडों पे बैठ जाती है, क्योंकि अभी तो नहीं बैठी है। अगर ये अंडों को इसने सही से नहीं सेका ना तो यार बेकार है फिर अंडे। वो देखें बैठ रही है, अपने नीचे दोनों अंडे ले रही है यार वो। ये देखें बैठ गई भाई। अब तुम्हें कैसा लगा था, तुम्हें एक्सपेक्ट किया हम क्या करने वाले हैं? बच्चे तो तुमने देख ही लिए, अभी वीडियो भी दिखा दी, कैसे बन रही है पूरी नसें, फुल अंडा पूरा पूरा बना हुआ है, पूरा बना हुआ। और ये एक और मैं तुम्हें दिखा दूं, जो वीडियोस देखते हैं मेरे उनको पता होगा, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं भाई, वो इसके अंडे हैं जो हमने रखे हैं अभी, जिसमें आप लोगों ने बच्चे बने हुए देखे ना, वो इसके अंडे हैं। तो बस अब हमारे को ना सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इसमें से बच्चे कब तक निकलते हैं। वैसे वो कितने टाइम तक बाहर आ जाएंगे इसमें से? यार तकरीबन अभी जिस हिसाब से बच्चे बने हुए 21 दिन में दोस्तों बाहर आ जाते हैं बच्चे। अब तुम्हें क्या लगता है 21 दिन में जब बाहर आ जाते हैं उसमें अभी बच्चे बने हुए हमने है ना, उस वाले में से एक अंडे में दोस्तों जल्दी आएगा यार, एक अंडे में पूरा बना हुआ बच्चा तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर आ सकते हैं। और बाकी दोस्तों वो एक बच्चा जो बना हुआ है ना, ये दोनों बच्चे किस वजह से बने? सिर्फ गर्मी की वजह से बने। हीटअप इतनी मिल रही है यार, गर्मी देखो तुम, और हमने रखे हुए थे कमरे में, ये वहीं बन गया बच्चा गर्मी से। भाई बड़ी बात है यार, इतनी शिद्दत की गर्मी, सूरज की इतनी तपिश है कि उसने कमरे में ही बच्चा बना दिया अंडे में। तो यार ये देखें दोस्तों, काफ़ी देर हो गई है मुझे, तकरीबन ना 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें ये बैठ गई है हमारी कबूतरी फुल एंड फाइनल अपने अंडों पे। फाइनली यार ये अंडों पे ना तरीके से बैठ चुकी है, वो देखें दोनों अंडे दिख नहीं रहे। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमने जो है दोस्तों दो अंडे ना सुबह में ही, दोपहर के टाइम, सुबह या दोपहर ऐसे ही हो रही थी, हमजा और मैंने दो अंडे इसके नीचे पहले ही लाके रख दिए थे ताकि ये जो है ना उन अंडों को सीखे और बैठे, थोड़ी आदी हो जाए, क्योंकि अचानक रखते हैं ना तो अक्सर ये अंडे छोड़ देती है, तोड़ भी देती है, तो हमने सिर्फ देखने के लिए। तो यार पर वो अंडों पर ये बैठी भी, पर वो ख़राब अंडे थे और थोड़े साइज़ में बड़े थे यार, मुर्गी के अंडे थे, बड़ी मुर्गी के अंडे थे, कैसे भी मुर्गी के हैं पर वो बड़े अंडे थे, तो इस वजह से ना पूरा उनको बैठ नहीं पा रही थी सही से। लेकिन ये छोटे अंडे हैं, बफ के हैं, तो ये देखें बैठ गई है भाई। अब यार हमने वेट करना है तकरीबन 15 दिन या मुश्किल से 14 दिन। एक अंडे में फुल बच्चा बना हुआ है और एक अंडा जो है दोस्तों उसमें बच्चा हल्का फुल्का एक झिल्ली नुमा टाइप का बन गया है, पर एक में फुल बच्चा बन गया है। 15 दिन चले, 15 दिन देखते हैं, आज की डेट देख लेते हैं, अब से अगले 15 दिन में देखते हैं कि हमारे पास ब्लैक बफ के बच्चे आते हैं या नहीं। यार इसको पानी डाल रहा था मैं और ये देखें क्या मिला, इसने अंडा लगा लिया यार, ये तो सेल आउट होगा। यार तुमने क्या लगा रखी है, ये देखें अभी अंडा दिया और अभी तोड़ दिया, बिल्कुल ताज़ा अंडा है, अभी नज़र पड़ी है हमारी और हमने निकाला इसको। क्या करें इसका, फेंक दूँ? क्या यार कसम से समझ से बाहर होता है इनका यार, अभी अंडा दिया और अभी तोड़ दिया, अच्छे ही नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं इन कबूतर को क्या हो गया यार, ये बिल्कुल भी अंडे को ना केयर नहीं कर रहे हैं। ये देखें ऊपर से पूरी झिल्ली उतार दी अंडे की, ज़ाया भी अंडा, फेंकना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। हाँ भाई क्या है आवाज़ें दे रहे हो, क्या ये किसका आया? ये इसी का, छोटे वाला बफ का। अभी लो भाई हमारे पास बफ के अंडे आने शुरू हो गए, खुश हो रहा है बड़ा, तुम्हें बैठना अंडे पे। तो यार माशाल्लाह से हमारे पास बफ का एक और अंडा आ गया, ब्लैक वाली का, थोड़ी देर पहले नहीं दे सकती थी हैं? ये अंडा ही देने बैठी हुई थी दोस्तों हम जब से वेट कर रहे थे, और इसने अभी, शुक्र है अभी सामने दे दिया, वरना मगरिब का टाइम हो रहा है, सबको खिला पिला दिया हमने, बस ये खा रहे हैं आज, इनको हमने आखिर कर दिया और एक दो और रह गए, उनको भी खिला पिला के फिर फारिग कर देते हैं हम। चलो यार ये अंडा रख दूँ पहले मैं। तो भाई ठीक है व्लॉग एंड करें? हाँ भाई ठीक है भाई ना। तो यार दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो हमारी आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल गर्मे शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मजे मजे के ब्लॉग्स के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय।